हाल ही में आपको याद होगा कि किस तरीके से OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, आसान भाषा में कहें तो मुस्लिम देशों का ऐसा संगठन जो दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बनता है और आए दिन किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। ताजा मामले में भी OIC ने कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को यह बताने की कोशिश की कि साहब कश्मीर में धारा 370 बहाल होनी चाहिए। मोदी को यह बताने की कोशिश की गई कि इस्लामिक देश इस बात की वकालत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, लेकिन खबर यह है कि भारत को ज्ञान देने वाले मुस्लिम देश इतने बड़े कायर हैं जो चीन के उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोलते। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन के साथ इन मुसलमानों देशों ने क्या सीक्रेट डील की है जिसकी वजह से चीन मुसलमानों के मामले में ये चुप्पी साध लेते हैं। वैसे ये वही मुस्लिम देश हैं जिन्होंने भारत में नूपुर शर्मा के मामले में भी जमकर बवाल काटा था। इनमें से कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने तो भारतीय कामगारों को वापस भेजने तक की धमकियां दे डाली थी। वही पाकिस्तान सरीका इस्लामिक आतंकवाद को पालने वाला देश भी भारत को धुड़की दे रहा था। लेकिन चीन की उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता पर बहस करने से इन तमाम देशों ने किनारा करना ही उचित समझा, क्योंकि चीन के साथ इन तमाम देशों के व्यापारिक रिश्ते काफी गहरे हैं। वहीं पाकिस्तान सरीका कंगाल देश तो हमेशा से ही चीन के सामने कटोरा लिए खड़ा रहता है। यह खबर वास्तव में इन इस्लामिक देशों का वो छिपा चेहरा उजागर करती है जो इस्लाम के नाम पर एक होने का पाखंड करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कई खेमों में बटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन इस्लामिक देशों के लिए अहमदिया मुसलमान समुदाय का हिस्सा नहीं है, ठीक उसी तरह उइगर मुसलमानों को भी इन इस्लामिक देशों ने नकार दिया है। दरअसल चीन ने इन देशों में इस कदर अपने व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ाया है कि चाहते हुए भी इनका मुंह नहीं खुलता। इस बात को इससे भी समझिए कि इसी साल मार्च में पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी को विशेष अतिथि बनाया गया था, जबकि चीन पर कई सालों से शिजियांग में उइगर मुसलमानों के नरसंहार और सांस्कृतिक जुल्म के आरोप लगते रहे हैं। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा किया जा चुका है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के लिए एक नई कुरान लिखी है। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन से जुड़े तमाम मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र में हमेशा से ही चीन के पक्ष में खड़े रहते हैं, क्योंकि चीन भी इस्लामोफोबिया जैसे काल्पनिक मुद्दों पर इन मुसलमान देशों का समर्थन करता है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। VK News, राष्ट्र के नाम।